यार आप एक चीज और बता रहे थे कि सायरन वगैरह लगा रखा है जी गाड़ी में, भैया, एक 20-31 के आसपास गाड़ी में लगा चुका हूँ। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm bad. हेलो भाई, मैं हूं सौरभ नागर और आज हम रिव्यू करने वाले हैं मारुति सुजुकी ऑल्टो का। भाई ये बेस मॉडल गाड़ी है, मार्केट में गाड़ी बंद हो चुकी है और भाई जिस तरीके से गाड़ी को मॉडिफाई कर रखा है ना, ब्लैक कलर है, क्रोम एलॉयज और भाई टेपिंग वगैरह, रैप जो बोनेट पर करा रखा, भाई नो डाउट एक नंबर गाड़ी लग रही है। अब हम आपको बुलाते हैं अंकित शर्मा भाई से जिनके गाड़ी है। हेलो भाई। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया भाई, आप बताओ। तो भाई मतलब सबसे पहले एक चीज बताओ, आपके मन में कहाँ से आया कि भाई इस गाड़ी को मॉडिफाई करते भैया, हैं? मेरा काफ़ी टाइम से ब्लैक कलर की ऑल्टो को मॉडिफाई करने का मन था काफ़ी टाइम से। तो मुझे मिली ओलेक्स से, मैंने ये खरीदी थी, परचेज की थी, तो बस मन था ब्लैक कलर की मॉडिफिकेशन करने के भाई लिए ऐसी पूरा। गाड़ी मुझे नहीं लगता कि दिल्ली एनसीआर में कोई होगी जो इतने अच्छी तरीके से मॉडिफाई करा रहा किया। और भाई आप देखो ब्लैक कलर की जो कंडीशन है भाई, इसमें कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है, एकदम पेंट ओके कंडीशन में। तो उनकी भाई सबसे पहले बात करते हैं इसकी रैप की। आप इस रैप में देखो भाई, आपको पर्पल ब्लू मतलब आप ही मान के चलो इसमें 6-7 कलर आपको ये देखने को, कमेलियन रैप है भैया इसकी। कमेलियन रैप है भाई। जी आप भाई कहिए तो भाई इसकी क्या कॉस्टिंग आ गई थी ये भी है, आपको? वही अप्रोक्स 1800। तो भाई इसमें 1800 में आपका मतलब बोनेट और ओआरवी दोनों कवर जी हो गए जी थे। जी ठीक भाई, अब इस बार इसकी लाइट्स की बात करते हैं क्योंकि थोड़ा अंधेरा भी हो चुका है। अब आपको लाइट की वो दिखाता हूँ, देखो भाई कितनी ब्राइट है। अब अंकित भाई अब बताओ कि लाइट कौन सी है, इसके अंदर क्या है भाई? ये भैया मैंने अभी इसके अंदर नॉर्मली वाली डलवाई हूँ 75 की। अभी मैं फिलिप्स इसके अंदर 110 वॉट्स की डलाने वाला हूँ, फिलिप्स की। की जी भाई, इनका मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर आप अब आपको जस्टिस नहीं होगा अच्छे से, पर फिर भी आप देख सकते हो वाइट लाइन काफी दूर तक जा रही। भाई इनका आउटपुट मुझे लगता है भाई नाइट टाइम में काफी अच्छा जी होगा। जी जी तो भाई इनकी कितनी प्राइसिंग आई थी आपको लाइट्स की? ये तो नॉर्मली मतलब ऐसी 4500। भाई काफी मस्त है भाई, इसमें फॉग लैंप वगैरह अपडेट भी कराया आपने? भैया भाई अभी इसमें मैं IPH अपडेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, तो अभी अब भाई इसमें मैं अंदर देख रहा हूँ, वहां पर दो रूट्स का होने लगा रखे हैं भाई ने। भाई इनका थ्रो वगैरह तो बढ़िया ही होगा, जी क्योंकि जी 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 इनके क्या प्राइसिंग थी अंकित ये तो भैया काफ़ी टाइम से मैंने लिए होते, तो ये वही। भाई? एक चीज बताओ, जी भैया जैसे गाड़ी आपकी पेट्रोल है जी 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 तो भाई क्या माइलेज दे देती होगी एलॉय के भैया साथ ये लगभग लगभग अब 14 से 15 का एवरेज ये दे रही है दे रही है भाई? है जी, पर पेट्रोल में इस गाड़ी को चलाने का एक अपना अलग ही मजा है। क्योंकि भाई ये एल्टो आप ही मान के चलो, अगर आज भी आप देखोगे ज्यादातर आपको सीएनजी मिलेगी और पेट्रोल में बहुत कम मिलेगी भाई। 15 इंच अलग के बाद भाई अगर इसको पेट्रोल पे चला रहे तो समझ लो भाई कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, यहाँ पर स्टिकर भी लगा रखा है नो वरीज का। अंकित भाई ये वाइपर इसके ही है, आपने चेंज करा नहीं रखे भैया हैं? ये मैंने चेंज कराए हुए हैं, ये BMW स्टाइल वाइपर अच्छा वाइपर्स भाई हैं देख सकते हो जी। भाई वाइपर भी। इनकी क्या कॉस्टिंग आ गई थी आपको? ये तो नॉर्मल वही 350। अच्छा भाई, जी जी अब भाई अब गाड़ी की साइड प्रोफाइल तरफ बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर अब भाई ने फ्रंट गेट पर जो टेपिंग करा रहा है इसमें बीच में इक्का है गोल्डन कलर, भाई ये नो डाउट देखने में बहुत अच्छी लग रही है। अब भाई बढ़ते हैं भाई के अलॉयज की तरफ, भाई क्या प्रोफाइल है इनकी? भैया ये 165/45R15 15 इंची के अलॉय है भाई, ये जी, वोशन का अलॉय वोशन है। के और भाई टायर कौन सी कंपनी का है? लिंगलोंग तो भाई लिंगलोंग का टायर। मतलब अब तक इनमें कंफर्ट वगैरह कैसा है इनका? नहीं कंफर्ट है बिल्कुल, चलाने में ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह सब कुछ देखने में अब तक कोई इशू मुझे नहीं आया कोई गाड़ी के नहीं अंदर, वाला ना। बिल्कुल इसमें भाई परफेक्ट। वैसे स्टॉक कितने आते हैं? स्टॉक इसमें 12 इंच के आते हैं भैया। 12 इंच मतलब भाई जैसे 1215 आए और बाकी आप बता रहे हो कोई अभी तक दिक्कत नहीं है नहीं नहीं। नहीं और आगे भाई मैं आपको इसकी लुकिंग दिखाता हूँ एक बार, आप देखो भाई क्रोम एलॉयज है इनकी जो डिजाइन है भाई देखने में बहुत प्यारा लग रहा है, और साथ ही ब्लैक गाड़ी है तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। एक बार मैं आपको चारों एलॉयज दिखाता हूँ भाई, बैक से आप इस गाड़ी की लुकिंग देखोगे ना भाई, यहाँ पर बीच में यहाँ पर पोर्श का लोगो भी लगा रहा है, देखने में बहुत अच्छी लग गाड़ी, वैसे पोर्श ही लग रही है देखने में ये। और बैक साइड में इसमें आपको रेड कलर की बेल्ट मिलेगी। अब भाई सबसे पहले आप ये बताओ भाई, जो आपने किंग कॉन्ग का जो बनाया है स्टिकर, मतलब ये आइडिया कहाँ से आया था? ये भैया मैंने गूगल से चेक किया था, तो मुझे ये गूगल पे मिला, ये NCR में पहली गाड़ी है जिसमें मैंने ये लगवाया हुआ है। भाई देखने में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक तो इसमें जैसे ग्रे कलर की ये है, बाकी रेड कलर ब्लैक का भाई बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी क्या प्राइसिंग आ गई थी ये? तो ये भैया वही थी, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें नॉर्मल वो होती सौ हैं दो सौ बस। रुपये में अपना होगा, पर जी भाई देखने में जो मस्त लग रहा है ना, और भाई की गाड़ी पूरी ऑल ब्लैक। भाई मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप शीशे ऑल ब्लैक कराओ क्योंकि भाई ने तो अपने रिस्क पे चला रहे हैं। चलो भाई अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और गाड़ी के अंदर आपको बताते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशन कर रखी है। भाई गाड़ी के अंदर हम आ चुके हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिस्टम की, जो स्टीरियो सिस्टम लगा रखा है भाई कौन सी कंपनी का है ये? ये भैया पॉइंटर का स्टीरियो है पाइनियर का भैया। जी। तो भैया इसको मॉडल वगैरह कुछ पता है? मॉडल भी अभी इसका मेरे को समथिंग क्या है याद नहीं है, पर हाँ हाँ ये वैसे काफी जी टाइम हो चुका है भैया, जी काफी ओल्ड है। तो भैया इसका आउटपुट कैसा है? आउटपुट भैया
अच्छा एकदम अच्छा है, मतलब ऐसे जी नहीं है कि भाई थोड़ी आवाज कम वगैरह आती है, जी 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 क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम चाइनीज वो लगवा लेते हैं स्टीरियो, उतने उनमें इतना अच्छा आउटपुट नहीं आता नहीं है। अच्छा अब भैया मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ आपने यहाँ पर स्पीकर लगा रखे हैं डीडी के, एलजीडी के जी, तो भैया इनकी क्या प्राइसिंग आ गई थी आपको डीडी के ये लिए? भैया अप्रोक्स 3200 के पड़े थे मेरे को। ये आपको है जी जी तो जी मतलब भाई दो आ गए ये हैं, इसके पीछे भी भाई इसमें स्पीकर इसके अंदर भी लगे हुए हैं और इसके, पायनियर के लगे हुए हैं अच्छा इसके वो अंदर इसमें पीछे चार जी पायनियर जी के जी हैं। जी जी और भाई इसकी क्या प्राइसिंग पड़ी थी आपको स्टीरियो सिस्टम की पायनियर ये की? भैया मैंने काफी टाइम पहले लिया था तो हाँ लगभग लगभग मेरे को 25,000 का पड़ा था ये 25। जी। भाई भाई ने जो काम करा रखा है भाई सारा अपने अच्छी कंपनी का जेनुअन काम है भाई, जब भी अच्छे आउटपुट सुनने मिलेगा भाई आपको मैं बैक साइड में और दिखाता हूँ। यहाँ पर भाई आपको दो ऊपर पार्सल ट्रेक ऊपर स्पीकर रखे हैं और बाकी एक यहाँ पर भी लग रहा है भाई, ये कौन सी कंपनी के हैं ये ये वाले? भैया इन्फिनिटी रेफरेंस सीरीज के कंपोनेंट है और रेफरेंस सीरीज के ही ओवल्स हैं ओवल सही है। जी। और भाई इनका आउटपुट कैसा है? आउटपुट आप भैया आप सुनेंगे तो आपको क्लियरेंस से और भाई पता हम आपको चलेगा। वीडियो में दिखे आपको सुनाएंगे आगे। और इनकी क्या प्राइसिंग आई भाई इन्फिनिटी वाले स्पीकर भैया के? इन्फिनिटी ये कॉम मैंने लिए थे तो ये मेरे को लगभग लगभग 5800 के ओवल पड़े थे हाँ भैया और 42 अप्रोक्स कंपोनेंट्स पड़े थे जी। ठीक है भाई। अब भाई हम आपको आपको इसका थोड़ी देर में साउंड सिस्टम भी सुनेंगे भाई, बाकी जैसे आपने सीट वगैरह काम नहीं करा क्या अभी भाई? भैया इसमें मैं सीट कवर्स कराने की कोशिश थोड़ा सोच रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा वर्किंग और कराने के लिए सोच रहा हूँ, जैसे एग्जॉस्ट वगैरह और ये गेट बटरफ्लाई भी जो आजकल चल रहा है मैं वो कराने की तो कोशिश थोड़ा कर रहा हूँ, अभी टाइम नहीं भाई मिल पा रहा उस चीज़ के लिए उसकी भी हम एक बहुत जल्दी एक नई वीडियो बनाएंगे भाई के साथ, बस थोड़ा ये है कि अभी थोड़ा काम ज्यादा पेंडिंग है गाड़ी में, पर कोई नहीं अभी फिलहाल हमारे पास जैसी गाड़ी थी हम आपको दिखा रहे हैं भाई। और आप एक चीज़ और बता रहे थे कि सायरन वगैरह लगा रखा है जी गाड़ी, भैया। तो भाई सायरन मतलब एक बाल्टी है क्या है? मैं एक ही बाल्टी लगाई हुई है एक बाल्टी भैया लगा रखा जी है जी अभी जी जी इस भाई, उससे पहले बार पीछे आप जो बूट में बता रहे थे वो सिस्टम और दे लेते हैं जो आप वो जी लगा जी रखा है जी सब ओके वूफर। भैया भाई कौन सा स्पीकर है आपके ये लिए? भैया सोनी का है इसके अंदर, ये सोनी एक्सप्लोर भाई कितने वाट का है ये? ये भैया 1400 वाट का है इसके 1400 वाट अंदर भाई। इसका जी। आउटपुट कैसा है? आउटपुट बेस्ट है भैया, आप सुनेंगे तो आपको तब देखने के। और बाकी जैसे भाई सिस्टम में लगा रहा है इसके लिए आप एम्प कौन सा यूज कर रहे हो? भैया अभी मैं इसके लिए V12 का साउंड बैरियर का एम्प यूज़ कर रहा हूँ 4 चैनल का, और मोनो एम्प इसमें चिकागो का यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी, तो भाई उनकी क्या प्राइसिंग है दोनों की? वो ऐसी मोनो एम्प लगभग लगभग 5500 का है और 3800 का 4 चैनल, तो अभी मैं सिस्टम में अपग्रेड कराने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ इसमें ये चेंजेस कराने के लिए। चलो भाई अब आपको इसको आउटपुट सुनाते हैं सभी स्पीकर्स का, सब वूफर का। अंकित भाई चला दीजिए गाना। Someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being caught. भाई साउंड सिस्टम आप सभी ने सुन लिया होगा वीडियो में, पर भाई जितना लाउड इस गाड़ी में सिस्टम है ना भाई आपको वीडियो में जस्टिस नहीं हो पाएगा भाई। इसके लिए ना आपको जब रियल लाइफ में आपको उसको सुनोगे ना भाई इसके जो वोकल्स हैं और सब वूफर का भाई जो पंच है ना भाई मजा ही आ जाएगा एकदम। तो अंकित भाई मतलब
इतना तगड़ा शौक मतलब म्यूजिक का भाई, ये तो भैया ये काफी टाइम से मेरे पास, 2013 में मैंने रिट्स ली थी। हाँ भाई, इसमें मैंने अपने ही आप करा था सिस्टम, इसमें भी मैंने खुद ही वर्क किया है सिस्टम पे भाई। इतना तो आपने सिस्टम जब तक लाउड लगा रहा भाई, वो भी खुद मतलब भाई ये समझ सकते हो भाई को खूब अच्छी खासी नॉलेज है, क्योंकि भाई एक तो सबसे बड़ी चीज ये कि भाई इसमें भाई ने जो भी कंपोनेंट यूज करे थे सब वूफर हो चाहे एम्प हो या फिर अपना स्टीरियो सिस्टम, भाई सभी अपने कंपनी का, कोई ऐसे नहीं है कि भाई कोई चाइनीज वगैरह भाई। अब अगर मैं पूरी गाड़ी की म्यूजिक सिस्टम की बात, भाई कितना खर्चा हो चुका है म्यूजिक सिस्टम में भैया? ऐसे मैंने कभी जोड़ा तो है नहीं, पर लगभग लगभग मेरा अप्रोक्स 40 से 50 के है भाई, 40-50 हज़ार भाई म्यूजिक सिस्टम भाई बहुत मस्त है सही में बहुत। और अंकित भाई अगर मैं पूरी गाड़ी के सिस्टम की बात करूं भाई, मतलब एलॉय से लेकर रैप अपने भाई जो भी अपना हूटर वगैरह हो ये सब भाई, इसमें कितना खर्चा? खर्चा मैं अब तक 120-130 के आसपास गाड़ी में लगा चुका हूँ भाई, 120 इस गाड़ी में लगा भाई, वो वर्थ इट, क्योंकि भाई इसमें जैसा भाई ने काम कर रखा है ना भाई, वो वैल्यू भाई उसको आप कह सकते हो भाई, वैल्यू फॉर मनी चीज है इस गाड़ी में। तो भाई ने जो भी काम करो वो चाहे एलॉय से हो या कुछ हो भाई, और भाई ने देख सकते हैं 2009 मॉडल गाड़ी है भाई की, पर मैं आपको देखो इसकी कंडीशन दिखाता हूँ भाई ने इतने अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखी है, आप बाहर से भी देखो भाई एकदम शाइनी, वरना आप देखो ब्लैक कलर भाई बहुत कहते हैं ना बहुत ज्यादा वो चाहिए भाई इसको मेंटेन करने पर, भाई ने तो बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर रखा है। देखो भाई आगे रैप वगैरह भी भाई वर्थ इट है इस गाड़ी के अंदर, जो भी पैसा लगाया है ना एकदम वर्थ इट। तो भाई यही था इस गाड़ी को एक ऑनरशिप रिव्यू, अगर भाई आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।